जिसने जीना सीख लिया उसका निर्वाण दूर नहीं, हमेशा मर्यादित जीवन जिए। दर्शन प्रभा जीमा सा चातुर्मास आत्मा के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने का अवसर। समीक्षा प्रभा जीमा सा रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभाजी के सानिध्य में चातुर्मासिक प्रवचनमाला में उमड़े श्रावक श्राविकाएं। भीलवाड़ा 16 जुलाई। जिनवाणी हमें जीना सिखाती है, जिसने जीना सीख लिया उसका निर्वाण दूर नहीं है। हमारे मन में विश्वास व श्रद्धा रखे बिना इसकी प्राप्ति नहीं होगी। हमें आगारी की बजाय मैं सबका और सब मेरा मानने वाला अंगारी बनना है। अंगारी सर्वत्र पूजनीय व आदरणीय होते हैं। हम चाहे संत साध्वी हो या श्रावक श्राविका, सभी भगवान महावीर के अनुयायी है, और जब तक ये चारों मजबूत नहीं होगा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में रविवार को रुद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमतीजी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मा सा के सानिध्य में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने व्यक्त किए। उन्होंने मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए कहा कि मर्यादा में रहने से जीवन की कई समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है और मर्यादित आचरण का सदैव सम्मान होता है। साध्वी श्री ने कहा कि हमें अनुबम की नहीं अनुव्रत की जरूरत है। हमारी वाणी भी कई बार अनुबम का काम कर देती है। हमें अनुव्रति बनना है और जीवन में मर्यादाओं का पालन करना है। अनुव्रति बनने पर मन में पाप के विचार और किसी तरह के विकार नहीं आएंगे। तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने सुखविपाक सूत्र का वाचन करते हुए श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा में कहा कि हम अपने शरीर से मोह छोड़ स्वयं को आत्मा माने और उसकी सुरक्षा करें। खुद को शरीर की बजाय आत्मा मान लिया तो तनाव समाप्त होकर पूरा जीवन ही बदल जाएगा। चातुर्मास आत्मा के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि केवल मनुष्य ही है जो त्याग प्रत्याख्यान कर सकता है, अन्य किसी गति में ऐसा अवसर नहीं मिलता है। साध्वी श्री ने परिवारों में संस्कारों की शिक्षा कम होने पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें अपने बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार व शिक्षा देनी होगी। बेटी ससुराल जाए तो उसे ये समझाए कि अब वही उसका घर है और वहाँ सबके साथ प्रेम से रहकर जीवन बिताना है। कभी छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़ मायके आने के लिए प्रेरित नहीं करे। एक बार परिवार टूट जाए तो जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हम बच्चों की हर बात पर टोका टोकी नहीं करें, लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें कि वह क्या कर रहे हैं और जहां जरूरत महसूस हो वहां दखल भी करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए उन्हें अपने धर्म व संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करें। समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य थे जो हमें इस जन्म में जैन कुल में जन्म मिला, लेकिन हम पुराने पुण्यों का खाने की बजाय नए पुण्य कर घर में धर्म का माहौल बनाए, संत दर्शन व जिनवाणी श्रवण कर नया पुण्यार्जन करें। धर्मसभा में आगमज्ञ चेतना श्री जीमा सा आदर्श सेवा भावी दीप्ति प्रभा जीमा सा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभा जीमा सा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में किशनगढ़, ब्यावर आदि स्थानों से पधारे अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति की ओर से किया गया। धर्मसभा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रावक श्राविका बड़ी संख्या में मौजूद थे। धर्मसभा का संचालन श्री सिंह के मंत्री सुरेंद्र चौरिया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में सोमवार सुबह 8:45 बजे से 15 मिनट तक नमोत्थान का जाप होगा। लोगस पाठ की आराधना से तीर्थंकरों की स्तुति। चतुर्दशी पर रविवार सुबह धर्मसभा की शुरुआत सर्वसिद्धकारी लोगस पाठ की आराधना से हुई। साध्वी दर्शन प्रभाजी ने कहा कि लोगस पाठ में अनंत तीर्थंकरों की शक्ति व ऊर्जा समाई हुई है। इससे बढ़कर पावन व पावरफुल दूसरा कोई पाठ नहीं हो सकता। इस पाठ को करके तीर्थंकरों की स्तुति करने से कर्मों की निर्जरा होती है और हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है। चतुर्दशी से एकासन के 42 बेलों की आराधना भी शुरू हुई। इसके तहत उपासक लगातार 2 दिवस एकासन की आराधना करेगा। चतुर्मास में प्रतिदिन उपवास, आयंबिल व एकासन तप की लड़ी भी जारी है। सास बहु दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। महासाध्वी दर्शन प्रभाजीमा सा ने बताया कि आगामी रविवार 23 अगस्त को रूप रजत विहार में नियमित प्रवचन के दौरान सास बहु दिवस मनाया जाएगा। इसके माध्यम से सबसे अधिक समय साथ बिताने वाली सास बहु में किस तरह आपसी समन्वय बढ़ सकता, उनके क्या कर्तव्य है और एक दूसरे को सुख दुख में संभाल किस तरह घर को टूटने से बचाया जा सकता, इस बारे में प्रेरणा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए सास को पीली एवं बहु को लाल रंग की साड़ी पहनकर आना होगा। अधिकाधिक सास बहु प्रेरणादायी इस आयोजन से जुड़े, इसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। युवाओं को दी धर्म से जुड़ने की प्रेरणा। रविवार प्रातः 8:00 से 8:30 बजे तक युवाओं के साथ धर्म चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें तत्वचिंतिका समीक्षा प्रभाजीमा सा ने कहा कि युवाओं को अपना भविष्य धर्म की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए कुछ समय जिनवाणी श्रवण करने और धर्म साधना करने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। उन्होंने युवाओं मन की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। धर्म से जुड़ी शिक्षा देने के साथ कुछ देर ध्यान साधना का अभ्यास भी कराया गया। इसी तरह रविवार दोपहर 1 से 2 बजे तक बाल संस्कार कक्षा का आयोजन किया गया। इसमें आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी मसा
अपने बच्चों को धर्म संस्कार प्रदान किए और उन्हें धर्म से किस तरह जुड़ना है इस बारे में समझाया। दोपहर 3 से 3:40 बजे तक प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। इसमें भी कई श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुक्लेचा के अनुसार चातुर्मास के तहत प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप एवं दोपहर 3 से 4 बजे तक साध्वी वृंद के सानिध्य में धार्मिक चर्चा हो रही है। सुश्राविका प्रेम देवी को कराया सागारी संथारा प्रत्याख्यान। रुद्रा ज्योति महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा एवं आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाजी मसा ने रविवार सुबह भीलवाड़ा में आदित्य विहार के नजदीक के 3 सोसाइटी में जिन शासन आराधक गुरुभक्त श्री गजराज सिंह डांगी महिला आश्रम क्षेत्र वाले के निवास पर पहुंच उनकी धर्म सहायिका वरिष्ठ सुश्राविका प्रेम देवी डांगी को परिवारजनों की सहमति से सागारी तिविहार संथारा प्रत्याख्यान कराया। साध्वी वृंद ने 90 वर्ष से अधिक उम्र की धर्मनिष्ठ सुश्राविका प्रेम देवी के परिजन पुत्र कुलदीप सिंह डांगी पौत्र सर्वेश सौरभ डांगी सहित परिजनों को धर्म संदेश देते हुए कहा कि जीवन के अंतिम पलों में संथारा स्वीकार करने से उत्तम जैन कुल में कुछ नहीं हो सकता। इस मौके पर श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुक्लेचा सुश्राविका सुनीता सुक्लेचा आदि भी मौजूद थे। रूप रजत विहार में धर्म सभा में डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मां सा ने सागारी संथारा प्रत्याख्यान कराने की सूचना दी तो श्रावक श्राविकाओं ने संथारा साधिका के जयकारे के साथ अनुमोदना की।